एक क्लासरूम की प्रस्तुति क्या है एमएसपी। पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों के किसान सड़कों पर हैं। उनकी चिंता इस बात से है कि सरकार नया कानून बनाने जा रही है जिससे फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि नए कानूनों से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। इस बीच यह जानना जरूरी हो जाता है कि एमएसपी क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। क्या होता है एमएसपी? सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिसे एमएसपी कहा जाता है। यह एक तरह से सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि हर हाल में किसान को उसकी फसल के लिए तय दाम मिलेंगे। अगर मंडियों में किसान को एमएसपी या उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते तो सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीद लेती है। इससे बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर नहीं पड़ता। एमएसपी की शुरुआत कैसे हुई? आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में किसान इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि अगर किसी फसल का बंपर उत्पादन हो जाए तो उन्हें उसके अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे। इस तरह से किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती थी जिस कारण वो आंदोलन करने लगे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते हुए 1 अगस्त 1964 को एलके झा के नेतृत्व में एक समिति बनी जिसका काम अनाजों की कीमतें तय करने का था। फिलहाल 20 से अधिक फसलों पर दिया जाता है एमएसपी। शुरुआत में केवल गेहूं के लिए एमएसपी तय किया गया था। इससे किसान बाकी फसलों को छोड़कर सिर्फ गेहूं की फसल उगाने लगे जिससे अनाजों का उत्पादन कम हो गया। फिर सरकार की तरफ से धान, तिलहन और दलहन की फसलों पर भी एमएसपी दिया जाने लगा। फिलहाल धान, गेहूं, मक्का, जई, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, शीशम, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट समेत 20 से अधिक फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। एमएसपी कौन तय करता है? देश में एमएसपी तय करने का काम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का है। कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह संस्था शुरुआत में कृषि मूल्य के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसमें लागत भी जोड़ दी गई, जिससे इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो गया। यह अलग अलग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। वहीं गन्ने का एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी गन्ना आयोग के पास होती है। कैसे तय होता है एमएसपी? एमएसपी तय करने की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी होती है। इसके लिए आयोग अलग अलग इलाकों में किसी खास फसल की प्रति हेक्टेयर लागत, खेती के दौरान आने वाले खर्च, सरकारी एजेंसियों की स्टोरेज क्षमता, वैश्विक बाजार में उस अनाज की मांग और उसकी उपलब्धता आदि मानकों के आंकड़े इकट्ठा करता है। इसके बाद सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाते हैं। अंत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इस पर अंतिम फैसला लेती है। सरकार भले ही 20 से ज्यादा फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, लेकिन आमतौर पर सरकारी स्तर पर खरीद केवल गेहूं और धान की हो पाती है। ऐसे में सभी किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिल पाता। इसकी वजह यह है कि गेहूं और धान को सरकार पीडीएस प्रणाली के तहत गरीबों को देती है, इसलिए उसे इसकी जरूरत होती है। बाकी फसलों की उसे इतने बड़े स्तर पर जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनकी खरीद नहीं होती। धन्यवाद।